वंस अगेन वेलकम टू MNS। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th के चैप्टर 3rd मैट्रिक्स का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवर्त आव्यूह और सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह कौन से होते हैं तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह मीन्स कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स है, तो हम उसे ए के ऊपर डैश लगा करके डिनोट कर सकते हैं। ए के ऊपर डैश लगा दिया, दैट मीन्स आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। निकालते किस तरीके से हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए बराबर आपके पास कोई भी आव्यूह दे रखा है 1, 2, 3 और 4। अब मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज के लिए इसके जो रो में एलिमेंट्स हैं, जो रो में लिखे हैं, उनको मैं कॉलम में लिख दूंगा। तो 1 और 2 आपके किस में है, रो में है। जैसे पहली रो में है 1 और 2 और दूसरी रो में है 3 और 4, तो उसको हम कॉलम में लिखेंगे। तो 1 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। जरूरी नहीं है कि रो के एलिमेंट्स को कॉलम में लिखें, आप कॉलम के एलिमेंट्स को रो में भी लिख सकते हैं, पर एक रो के एलिमेंट एक कॉलम में, दूसरी रो के एलिमेंट दूसरे कॉलम में आपको लिखने हैं। दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। दूसरा आता है आपका सममित आव्यूह। सममित आव्यूह की ये प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं या परिवर्त करते हैं, तो आपको रिजल्ट में वही मैट्रिक्स दोबारा से मिलेगा। तो ऐसा आव्यूह क्या होगा, आपका सममित आव्यूह होगा। दैट मीन्स आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तब भी हमारा मैट्रिक्स वही रहा जो क्वेश्चन में था। तो ऐसा आव्यूह आपका क्या होगा, सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका आता है 3rd, विषम सममित आव्यूह या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है, आप जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ये नेगेटिव होगा, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के तब बराबर होगा जब उसमें से आप होल में से माइनस कॉमन ले लोगे, दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब एक्सरसाइज 3.3 आपकी इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड है, उसी में एक टॉपिक ये भी आता है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को, प्रत्येक वर्ग आव्यूह मतलब जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक सममित और एक विषम सममित, एक सममित कौन सी, ये वाली नंबर 2, एक विषम सममित कौन सी, नंबर 3, इन दोनों के योगफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आप उसे डिनोट कर सकते हो, योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न लिखा है, ए बराबर 3, 5, 1 और -1, 3, 5 और 1 -1। आपको इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको व्यक्त करना है, तो पहले आप ये देखो ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं। वर्ग आव्यूह वो होता है जिसमें रो और कॉलम समान होते हैं, तो इसमें 2 रो हैं आपकी, 2 कॉलम हैं, अतः यह वर्ग आव्यूह है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम p = ½ a + a' पहले निकालेंगे। हाफ ए आपके पास क्या है वो लिख लो, 3, 5, 1 - 1 + a' का मतलब मैं बता चुका हूं, केवल रो के एलिमेंट्स को आपको किस में लिखना है, कॉलम में लिखना है। तो रो में आपके एलिमेंट कौन से हैं, 3 और 5, तो उसको पहले कॉलम में लिखोगे आप 3 और 5। दूसरी रो के जो एलिमेंट्स हैं 1 और -1, उसे आप किस में लिखोगे, दूसरे कॉलम में लिखोगे 1 और -1, और इनको एक ब्रैकेट में आप बंद भी करोगे इस तरीके से, और इक्वल में इनको सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से एडिशन होता है, पहले अवयव में पहला अवयव प्लस होगा, 3 में 3 को प्लस करोगे तो 6 मिलेगा, 5 में 1 प्लस करोगे 6 मिलेगा, 1 में 5 प्लस करोगे 6 मिलेगा, -1 में फिर -1 प्लस करोगे तो -2 मिलेगा। अब यहाँ पर 1/2 लिखा है, इसका मतलब 2 से आपको भाग करना होगा,
दो तीन छः, तीन 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 और माइनस एक, ये आ गया आपका। अब आपको ये चेक करना है इसका P डैश निकालोगे आप, क्या निकालोगे P डैश मतलब परिवर्तापयुग्म। तो इसकी जो रो है उसको आप किस में लिखोगे, कॉलम में, पहले कॉलम में और इसको दूसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में आएगा आपका तीन और तीन, दूसरे कॉलम में आएगा तीन और माइनस एक। क्या ये वही मैट्रिक्स है जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में आपके पास थी? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। दैट मीन्स पी डैश किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। इसका मतलब पी हमारी कैसा मैट्रिक्स हो गया, सममित आव्यूह हो गया, सममित आव्यूह। जो मैंने प्रॉपर्टी पहले ही बता चुका हूं कि अगर पी डैश बराबर पी है या ए डैश बराबर ए है तो वो आपका क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। नेक्स्ट, इसे नंबर वन दे देते हैं। नंबर टू, क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बस इसमें क्या होगा, माइनस करना है, तीन पाँच एक माइनस एक, फिर माइनस ए डैश, तो तीन पाँच एक माइनस एक। अब इनको माइनस करते हैं, कितना मिलेगा, हाफ, तीन में से तीन माइनस करोगे तो जीरो मिलेगा, पाँच माइनस एक करोगे आपको चार मिलेगा, एक माइनस पाँच करोगे माइनस चार, और माइनस एक और माइनस माइनस प्लस एक तो जीरो मिलेगा। ओके, तीन माइनस तीन जीरो, पाँच माइनस एक चार, और एक माइनस पाँच चार, और माइनस एक फिर प्लस एक जीरो। दो से आपको भाग करना होगा तो जीरो, दो माइनस दो और जीरो। अब आप निकालो यहाँ से क्यू डैश, क्यू डैश का मतलब रो को कॉलम में चेंज करो। तो पहली रो आपकी कौन सी है, जीरो और दो, इसे आप कॉलम में चेंज करोगे, इसे दूसरे कॉलम में लिखोगे, तो आपका आ गया जीरो, दो और माइनस दो और जीरो, दोनों आ गए। अब इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा जीरो, टू, माइनस टू और जीरो। अब माइनस कॉमन लेने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बनी है, क्या ये वही मैट्रिक्स है जो पहले थी? बिल्कुल है। और वो हमारी किसके बराबर थी, क्यू के बराबर थी। तो क्यू डैश हमारे पास आ गया किसके बराबर, माइनस क्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कैसा आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह। अब इसके बाद प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, इन दोनों को मेन आव्यूह के बराबर लिखना है, पी और क्यू का सम करेंगे, पी और क्यू का सम मतलब प्लस करेंगे। तो पी आपके पास कितना था, तीन तीन और तीन माइनस एक, और इसी प्रकार Q कितना था हमारे पास, Q आ गया था हमारे पास जीरो, दो, माइनस दो और जीरो। इनको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर तीन प्लस जीरो करोगे तो आपको तीन मिलेगा, तीन और दो को प्लस करोगे पाँच मिलेगा, तीन में से दो माइनस होगा एक मिलेगा, माइनस एक में से जीरो प्लस करोगे माइनस एक मिलेगा। ये आपके पास वही मैट्रिक्स आनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, दैट मीन्स ये सेम वही आ गई। इसका मतलब P प्लस क्यू बराबर ए के हम लिख सकते हैं, P प्लस क्यू बराबर ए, जिसमें P हमारा एक सममित आव्यूह है, Q हमारा एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमने इसको क्या किया, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इक्वल टू वन माइनस वन टू थ्री। सिंपल आपको क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है। तो सिंपली पहले रो को आप पहले कॉलम में लिखोगे एक माइनस एक, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिखोगे तो वो आपका हो गया परिवर्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ए प्लस ए डैश बराबर आपको आई गिवन है और एल्फा का मान आपको बताना है। तो ए प्लस ए डैश को मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, तो ए में हमारा क्या आएगा, कॉस एल्फा और साइन एल्फा, फिर माइनस साइन एल्फा और आपका कॉस एल्फा प्लस ए डैश। अब ए डैश में आप क्या करोगे, जो इसमें रो में एलिमेंट है वो कॉलम में लिख दो, तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और फिर साइन एल्फा और कितना, कॉस एल्फा। पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस करोगे तो कॉस एल्फा आपका हो गया टू कॉस एल्फा, ये वाला आपका जीरो हो गया, ऐसे ही ये जीरो हो गया, यहाँ पर आ गया टू कॉस एल्फा इक्वल में हमने टू कॉस एल्फा कॉमन ले लिया, तो
तो हमें मिल गया कितना 1001। ये हो गया आपका 2 cos alpha। ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, इकाई आव्यूह, जो मैं बता चुका था विकर्ण में एक एलिमेंट होता है और बराबर में ये किसके चल रहा था, आई के चल रहा था, तो बराबर में भी आप आई लिखोगे, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 2 cos alpha बराबर आपको एक मिलेगा। तो यहाँ से cos alpha बराबर 1/2, तो 1/2 cos की टेबल में किसका मान होता है, cos 60 का, तो यहाँ से आपको अल्फा कितना मिल गया, अल्फा बराबर 60 अंश, अल्फा का मान हमने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए, और टॉपिक हमारा कौन कौन सा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने इसमें डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा, मतलब उसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालना होगा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मींस आप उसमें रो ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी आप उपयोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।